नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे गांधी सेतु पुल के बारे में। गांधी सेतु पुल को लाइफ लाइन के रूप में जाना जाता है। इस पुल से उत्तर बिहार को राजधानी पटना से जोड़ना आसान हो जाता है। इसके बन जाने के बाद से उत्तर बिहार के लोगों को दक्षिण बिहार के साथ ही राजधानी पटना आना और जाना काफ़ी आसान हो गया है। पहले जब गांधी सेतु पुल नहीं था तो लोगों को गंगा नदी से नाव के सहारे जो है पार करना पड़ता था, लेकिन गांधी सेतु पुल बन जाने के बाद से लोगों की यह समस्या जो है दूर हो गई। लेकिन वह पुल भी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, उसमें भी कई तरह की समस्याएं सामने आने लगी, जिसे बाद के दिनों में मरम्मत तो कराया गया लेकिन यह कारगर सिद्ध नहीं हुआ, जिसे बाद में पुराने ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया और अब जो है एक नया कंस्ट्रक्शन बनकर तैयार हो गया है। वर्तमान में पुल का पश्चिमी हिस्सा बनकर तैयार हो गया है, यानी कि एक तरह से कह लें कि पश्चिमी हिस्से पर गाड़ियां आ और जा रही है। वहीं पूर्वी लेन पे जो है गाड़ियों के परिचालन को लेकर जो है व्यवस्था बनाई जा रही है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि गांधी सेतु पुल के पूर्वी लेन का काम लगभग पूरा हो गया है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि मई महीने के अंत तक इस लेन का भी काम जो है खत्म होने के बाद इसकी भी शुरुआत कर दी जाएगी। अभी तक इसका डेट का निर्धारण नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि पूर्वी लेन का कार्य पूरा होने के बाद से पटना से हाजीपुर या फिर हाजीपुर से पटना आना और जाना आसान हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अगर हम समय सीमा की बात करें तो 15 मिनट के अंदर जो है आप राजधानी पटना से हाजीपुर आ और जा सकते हैं। इधर विभाग के अधिकारियों की तरफ से यह भी कहा गया है कि 31 मई तक पूर्वी लेन तक कार्य पूरा हो जाएगा। ऐसे में यह भी कहा गया है कि दोनों लेन शुरू हो जाने के बाद से वन वे ट्रैफिक का संचालन शुरू किया जाएगा। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात कर लें तो पश्चिमी लेन पर ही दोनों तरह की गाड़ियां आती और जाती हैं, जिससे जाम की समस्या आए दिन देखने को मिलता है। ऐसे में अब गाड़ियां बिना रुके ही पटना और हाजीपुर के बीच में चलेगी और लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब गांधी सेतु का पूर्व लेन बनना शुरू हुआ था उस समय इसके बनाने के समय में 42 महीने का निर्धारण किया गया था, लेकिन बीच में कोरोना का काल सामने आया और उसके बाद बरसात का समय आ गया तो इसमें काम में जो है देरी हुई। इस पुल के निर्माण के बन जाने के करीब 4 साल का समय लग गया, यानी कि इसके पूरे पुल के निर्धारण को लेकर और निर्माण में जो है 4 साल का समय लगा है। गांधी सेतु पुल जब पूरी तरह से जर्जर हो गया था तो सबसे पहले पश्चिमी लेन पर काम शुरू किया गया और यह पुल साल 2020 में बनकर तैयार हो गया। उसके बाद पूर्वी लेन का काम शुरू किया गया। इस पुल के निर्माण में कुल 1382 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। गांधी सेतु पुल के 46 पाए को हेड गार्डर के जरिए ज्वाइंट किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि पूर्वी लेन में करीब 100 मीटर की बाउंड्री वॉल पर काम होना अभी वर्तमान में बाकी है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि पूर्वी लेन में अभी भी एक्सपेंशन ज्वाइंट पर काम होना बाकी है। जैसे ही विभाग के इंजीनियरों का मानना है कि इस सप्ताह में बचे हुए सारे काम को जल्द ही पूर्ण किया जाएगा। बता दें कि अभी भी पुल में पेंट होना बाकी है, यानी कि जो उसके बाउंड्री वॉल है उसमें पेंट होना बाकी है। हालांकि पुल में जो है नंबर, यानी कितने से कितने नंबर तक का ये पुल है, तो उस पर जो है वो अंकित कर दिया गया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो गांधी सेतु पुल के समानांतर बन रहे फोरलेन पुल का निर्माण कार्य भी जो है 2024 तक पूरा करने की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि इसके बाद से पटना से हाजीपुर जाने के लिए 8 लेन की सुविधा बहाल हो जाएगी। ऐसे में अब उत्तर बिहार से राजधानी पटना के साथ साथ दक्षिण बिहार आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एक तरह से कह लें कि राजधानी पटना में भी एक जाम की समस्या में गांधी सेतु पुल होता है, क्योंकि पुल जाम होने के बाद से पटना के 0 माइल तक पूरा जाम होता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जब दोनों पुल बन जाएगा तो आने जाने में लोगों को परेशानी का सामना कम करना पड़ेगा और लोगों को जाम से तो निजात मिलेगी ही मिलेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।